हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर 10, रेशियो एंड प्रोपोर्शन. क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज ग्रेटर इन द पेयर्स. कौन सा रेशियो हमें ग्रेटर है ये बताना है पेयर में. पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, ये हमने नोट किया. अब इसके लिए सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं. 7/6 यहाँ पे और 4/9, ठीक है. तो ग्रेटर का साइन हम नोट कर देंगे. अब इसमें क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाइंग करते हैं. जो इजी वाला है वो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाइंग. ये हमारे पास क्या आएगा, 6 × 4, चलो नोट कर देते हैं, 7 × 9 और 6 × 4, 63 और 24. विच वन इज ग्रेटर, 63. एंड 63 विल बी फ्रॉम 7/6 इज ग्रेटर. नाउ बी पार्ट, 3/4 और 9/16. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग. थ्री बाय फोर और 9/16 क्रॉस मल्टीप्लाई किया. 3 × 16 और 9 × 4. विच वन इज ग्रेटर, 48. सो 3 × 4 इज ग्रेटर. नाउ सी पार्ट, 7/13 और 2/9. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग. 7/13 और 2/9. 7 × 9 और 2 × 13. विच वन इज ग्रेटर, 7 × 13 इज ग्रेटर. नाउ डी पार्ट, इसमें भी सबसे पहले हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में नोट करना है ये, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाइंग. इसको यहां पे कर देते हैं नोट, क्रॉस मल्टीप्लाइंग. फिफ्टीन इंटू फाइव और 6 × 10, 60 और 75. विच वन इज ग्रेटर, 75. सो 15 × 10 इज ग्रेटर. नाउ नेक्स्ट है हमारे, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इंटू डेसिमल एंड परसेंटेज. इसमें देखिए 7/35 है ये, तो हमें ये सबसे पहले नोट कर लेना है कि इसमें फ्रैक्शन में, ये हमने फ्रैक्शन में नोट किया, सॉरी 35 है यहाँ पे, 35 यहाँ पे क्या है, 35. पहले इसको डिवाइड करना होगा, 35 से डिवाइड करना है हमें. तो ये हमारे पास क्या आएगा, डेसिमल लगाया, जीरो नोट किया, 35 × 70. ओके, तो डेसिमल में हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे हमें दोनों फॉर्म में करना है. ये डेसिमल आया ये 0.2. हमें इसको परसेंट में भी करना है कन्वर्ट, और जब भी हम परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है उसको 100 से. टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज मल्टीप्लाई डेसिमल बाय 100. आप इसको भी कर सकते थे 100 से, लेकिन जब इससे करते तो आपको फिर से ये डेसिमल वाला पार्ट फेस करना होता. तो बेटर है कि जो आपके पास ये आंसर आया इसी को मल्टीप्लाई कर दो आप, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल बी इक्वल टू. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 100 = 200. आफ्टर दैट वी हैव टू पुट डेसिमल आफ्टर वन डिजिट, ये वन डिजिट के बाद डेसिमल है, तो राइट हैंड साइड से वन डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल नोट कर दिया, दैट इज इक्वल टू 20%.
ओके, नाउ बी पार्ट. बी पार्ट हमारे पास है 12:96. 12/96. अब पहले इसको हम किस में करते हैं, लोवेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं. तो लोवेस्ट फॉर्म में करने के लिए 12 × 12, 12 × 8 दैट इज इक्वल टू 1/8. अब 1/8 जो हमारे पास है इसको हम डेसिमल में कर लेते हैं. 8 से डिवाइड करना है हमें, 1.0 नोट कर लेते हैं. 8 × 8 2, देन 1.0 नोट डाउन की. 8 × 16, सॉरी ये 0 पॉइंट था ये, क्योंकि वो मैंने लगाया नहीं, एकदम ध्यान नहीं रहा. 16, देन 4, 1 more 0, 8 × 5 = 40. ओके, तो ये हमारे पास क्या है डेसिमल में, 0.125. अब इसको हमें किस में करना है, परसेंट में. तो यहां पे हम लिखेंगे टू कन्वर्ट इनटू परसेंट मल्टीप्लाई डेसिमल बाय 100. 0.125 इंटू 100 दैट विल बी इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जितनी जीरो पीछे, यहां पे जीरो नोट कर दी हमने. अब कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, 1, 2, 3, 1, 2, 3. तो ये हमारे पास कितना आया, 12.5%. नाउ दिस इज आर सी पार्ट. सबसे पहले फ्रैक्शन में नोट करते हैं. 172 डिवाइड किया 2 से, 2 4 = 8, 2 3 = 6, 2 8 = 16, 2 6 = 12, दैट इज इक्वल टू 43/86. अब यहां से देखिए, अगर हम इसको करते हैं डिवाइड तो ये हमारे पास क्या आएगा, 43 × 1 = 43, 43 × 2 = 86. अब ये है 1/2. 1/2 को हमें डेसिमल में करना है 1.0 नोट किया हमने, 2 5 = 10. तो ये डेसिमल में हमारे पास क्या आ गया, 0.5. आपको किस में करना है, परसेंट में. तो परसेंट में करने के लिए हमें सेम वही करना होगा, टू कन्वर्ट इनटू परसेंट मल्टीप्लाई डेसिमल बाय 100. तो ये क्या आएगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100. 5 से मल्टीप्लाई किया, 20 पुट की, देन 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहां पे लगाया, दैट इज इक्वल टू 50%. ओके, दिस इज डी पार्ट. डी पार्ट में पहले नोट करते हैं फ्रैक्शन में. 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, 5 2 = 10, 5 4 = 20, 17 5 = 85. अब करते हैं इसको 17, पहले तो 17 × 1 = 17. नाउ डेसिमल लगाएंगे, 0 पुट किया, 17 4 = 2 रिमाइंडर, 1 0 और नोट की, 17 × 1 = 17, 3 0. अब आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेक्स्ट 0 जो नोट करेंगे तो ये 30 बन जाएगा, जो कि फिर भी आपका 17 1 पे जाएगा. तो ये क्या आया डेसिमल में हमारे पास, 1.41. नाउ हमें परसेंट में करना है तो यहाँ पे हम नोट करेंगे टू कन्वर्ट. ये लिखने वाला आप अपने आप से करेंगे. ओके, इसमें 1.41 यहाँ पे परसेंटेज में इनटू 100 दैट विल बी इक्वल टू 1.41 आफ्टर दैट 20 और डेसिमल लगानी 1 2 डिजिट के बाद. तो ये हमारे पास कितना आया, 141%. नाउ ई पार्ट. ई पार्ट में देखिए, सबसे पहले फ्रैक्शन में नोट किया. अब ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा तो हमें डिवाइड करना होगा. ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं था इसलिए 27 5 = 135, 5 रिमाइंडर, डेसिमल लगाया, 0 नोट की,
27 0 माइनस 7 3 4 माइनस 2 2 एक जीरो और नोट करते हैं। अब ये कहां पे जाएगा, ये 9 के राउंड ऑफ जाएगा, 9 या 8 पे, क्योंकि 230 है ये और 10 जा क्या होगा 270। तो पहले 9 से करके देख लेते हैं, 27 इंटू 9 8 पे जाएगा, 27 8 जा 216, 10 माइनस 6 4, 2 माइनस 1 1, एक जीरो और नोट करते हैं, क्यों, क्योंकि जो रिमाइंडर है ये मोर देन हाफ है ये, उसके बाद इसको करते हैं 140 आ गया हमारे पास, 140 ये रिपीट होगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे 135, ठीक है ये रिपीट करेगा अपने आपको। तो यहां से देखिए हमें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस लेना है, तो ये 5.185, जब इसको हम राउंड फिगर करेंगे तो ये क्या होगा 5.19, क्योंकि ये 5 है तो ये वाली डिजिट इंक्रीज हो जाती है राउंड फिगर जब अप्रोक्स में करते हैं हम। अब इसको हमें परसेंट में भी करना था, तो परसेंट के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको, मल्टीप्लाई बाय 100। अब मल्टीप्लाई करने पे ये क्या आएगा हमारे पास 519 आफ्टर दैट 20। अब टू डेसिमल, टू प्लेसेस के बाद डेसिमल पुट करनी है, 12 हमेशा राइट हैंड साइड से करते हैं डेसिमल पुट, तो ये हमारे पास क्या आया 519%। नाउ नेक्स्ट 290/75, पहले इसको लोवेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 25, 5 8 40 एंड 15 5 75, डिवाइड करते हैं, 15 3 45, डेसिमल लगाया, जीरो पुट की, एक जीरो और नोट कर देते हैं, 10 है यहां पे, देखिए 10 है, ठीक है, तो हमें एक जीरो और लेने होगी, क्यों, क्योंकि ये मोर देन हाफ है 10, किसका हाफ, जो डिवाइजर है उसका मोर देन हाफ। अभी फिर से क्या करेगा ये, रिपीट करेगा ये, ओके यहां पे 90 नोट कर देते हैं, ये 10। अब यहां से हमारे पास क्या आएगा 3.866, हमें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस लेना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.8, यहाँ पे 7। अब आपको परसेंट में जब ये कन्वर्ट करना है, तो परसेंट में करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, नोट करने वाला आप अपने आप से करेंगे, 8700, 2 डेसिमल के बाद, 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल पुट करनी है, 12 दैट इज इक्वल टू 387%। ओके, रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।